बहुत बहुत साधुवाद वकील साहब। बीएसपी पार्टी के जो सिपाही आए उनका स्वागत, और उन्होंने अपनी बात कही जो जरूरी थी। यहाँ काफी युवा संगठन भी आए हुए हैं और कुछ 60 साल के युवा आए हुए हैं। जो 60 साल के युवा हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्या बात है। और मेरे पास भी ऐसे दो सिपाही हैं, ज्यादा हैं बल्कि, मेरा एग्रीमेंट उनके साथ हो गया है। अब कभी, सुनिएगा जरा ध्यान से, अब कभी जब भी धरना होगा उनको ही शहीद करेंगे, ठीक है। स्वाभिमान की, सोशल रेपुटेशन की कीमत अदा करनी पड़ती है, और आप लोग तैयार नहीं हैं कीमत अदा करने के लिए। यही मेरी उसी प्रेजेंटेशन की लाइन में है, यूथ लोग ध्यान से सुने, उनको ज्यादा फेस करनी पड़ती है ये बात, क्योंकि बुजुर्ग जब इकट्ठे होंगे तो वो कहेंगे अजी वक्त बहुत बुरा आ गया, आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, के करा रुका राम जी टापर तो कहना ही कौन माने, कि तो समझा दो बने तो समझ ही कौन आवे, अजी की करिए काका कहने नहीं लगता, भावे किन्ना ही समझा लिए कुड़ियां नहीं मनदियां साडियां, पता नहीं स्कूल पढ़ने जाता है पता नहीं जाता, अजी का करे हमारो लोडो तो ना मान रो, जितनी भाषाएं आप सुनते हैं। हाँ अभी कह रहे थे ना जमुना पार आ गया मिशन, नहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे भी पहुंच गया है। मैं पाकिस्तान बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, श्री गंगानगर जिला, जो उत्तर में पंजाब लगता है पश्चिम में पाकिस्तान। कुछ साल पहले जब एलओसी नहीं थी तो हमें पता भी नहीं था हम भारत में कि पाकिस्तान में, गलती से हमारे लोग उधर छाछ लेने चला जाया करते थे। एनीवे वापिस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। आप लोग जब तक कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे वो चीज आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में क्या कहा पंजाबी साहित्य ने, क्या कहा, पहला मां वारी फिर चार पुत वारे, पहला मां वारी फिर चार पुत वारे, पहला मां वारी फिर चार पुत वारे, फिर प्यो वारिया, छीमा प्यो वारिया, सतमा आप वारिया, सतवार के कहने पाणा मीठा लागे तेरा वे, सतवार के कहने पाणा मीठा लागे तेरा वे, सरबंस दानिया देना कौन देऊगा तेरा वे, सरबंस दानिया देना कौन देऊगा तेरा वे। बाबा साहब ने भी अपने पुत्र वारे हैं, कुर्बान किए हैं, उनका देना हम नहीं दे सकते, उनका देना हम नहीं दे सकते, लेकिन उनके द्वारा की कही गई बात को अपने जीवन में उतार कर हम अपने माँ बाप की नेक संतान होने का दावा कर सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है कि बाबा साहब के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर मुंबई की गलियों में लोगों ने संकल्प लिया कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं ये हमारी बस की बात है। बाबा साहब की बात को ठीक उन्होंने दोहराया प्रतिज्ञा के रूप में। आज फिर एक अवसर है, संकल्प लीजिए, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, साथी को कहने की भी जरूरत नहीं, कहो तो अच्छी बात है, प्रेरणा पैदा होगी। अब प्रेजेंटेशन की अगली लिंक, फिर मैं किसी एक नौजवान और मेरे पास आए हैं, युवा शक्ति दल। और अजीब बात है कि बंदे जी मैं मन संचालन कर रहे हैं आज, क्योंकि मैं अपने उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, मेरी टीम है इधर बैठी है, तो आधी टाइम मेरी टीम मेरे पीछे बैठी है, फिर उनका गीत भी आप सुनेंगे। ये लालकुआ बदरपुर बॉर्डर से है, माता रमा बाई संगीत मंडल, युवा शक्ति दल। प्रेजेंटेशन की अगली बात क्या है कि कीमत अदा करना सीखे हमें, हम कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो चीज जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं मिल रही। जब किसी आदमी का स्वाभिमान नहीं होता है तो बेचैनी दौड़ती है, और जब बेचैनी दौड़ती है तो जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। आपके घरों में बच्चे हैं, वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि जो विद्यालय है वो सेक्युलर नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष क्लास
क्लास में धर्म निरपेक्षता नहीं है, स्कूल के तो दूसरी बात है। कोई टीचर अगर ऐसी बात सिखाता भी है कि भारत की संस्कृति कौन सी है, तो दूसरे लोग उसको उसकी उपेक्षा करते हैं। अभी मैं राजस्थान के एक गांव के अंदर एक स्टैचू लगाई, उसमें एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया और उसके अंदर जो स्टैचू लगाई है गांव के अंदर, उस गांव के अंदर स्टैचू लगाने वाले बच्चों की उम्र है 20 साल 22 साल 21 साल। उन बच्चों ने स्टैचू लगाई है गांव के अंदर, अपने खेत में स्टैचू लगाई है बाबा साहब की, और चीफ गेस्ट मुझे बुलाया गया और अध्यक्ष अपनी दादी को बनाया, उन्होंने अपनी दादी को अध्यक्ष बनाया। उसी गांव से कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का दावा करने वाले नेता की पैतृक भूमि है और उसी गांव का, उसे उन्होंने नहीं बुलाया। तो सोशल मीडिया से नौजवानों में बड़ी समझ आई है, ठीक है। अगली बात है कि प्रेरणा कहां से पैदा हो, ये बिंदु 5 मिनट बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि मोटिवेशन की दुकान कहां है, किस हाट में ये मिलता है। हमारे घरों में जो समाजीकरण होता है उसमें गड़बड़ है। हमारा समाजीकरण एक भोजन की तरह काम करता है और उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अच्छे माँ बाप होने का दावा करते हैं तो मैं कहता हूँ आपके बच्चे मानसिक तौर से कुपोषित भोजन ग्रहण करते हैं। आपको पता है यूपी में जब से सरकार बदली है गाड़ियों पे नाम बदल गए हैं, क्षत्रिय, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। समाजीकरण होता है। एक सरदार क्या कहते हैं अपने बेटे को, ओ बल्ले अपन तो सरदार होने हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, 1,25,000 नाल एक लड़ावा ताही गुरु गोविंद सिंह नाम तरावा, चिड़िया नाल बाज लड़ावा। वो अपने बाप बेटे को कहता है, हल्ला शेरी देता है, है ना। मैं तो पंजाबियों के बीच में रहा हूं। दूसरी बात कौन सी है, वो जिन्ने तक जट दी धौण ना वटी जावे जट मरदा है, है ना। ये जो स्लोगन जो है ना, ये मोटिवेट करते हैं बच्चों को और सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से बच्चे सोचते हैं हाँ बात तो सही है, मैं शेर सिंह, शेर भी सिंह और सिंह भी सिंह, और हमारे भोलू राम, है ना, भोला राम। अब भोला सोचता मैं भोला ऊपर से राम, मेरी परसेंटेज अच्छी ना भी है तो क्या दिक्कत है, मैं तो भोला हूं ना। अगर बच्चे का नाम ही शेर सिंह हो और होशियार सिंह हो तो फिर मनोविज्ञान कहता है नाम का आपके दृष्टिकोण पे सीधा असर पड़ता है। एक रीजन, नाम का आपकी काम करने की दक्षता पे भी सीधा असर पड़ता है। दो कारण, तो आपके समाजीकरण में बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप बच्चों क्या कहते हो भाई, है ना, बुरा तो नहीं मानोगे, घबराओगे तो नहीं। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को किसी ने कहा कि आप जी कठोर बड़ा बोलते हैं, तो बुद्ध कहते हैं मैं कल्याण मित्र हूँ, सर्जन हूँ, छुरा हाथ में रखता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, थोड़ा सा ऑपरेशन। वो कहते हैं कि हम राजपूत होते हैं राजपूत, हम सरदार होते हैं सरदार, फलाना फलाना होते हैं, वो अपने बेटे को हिम्मत बनाते हैं, है ना। आप क्या कहते हो फिर, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, प्रैक्टिकली सुना है, अजी हम तो शुद्ध चमार हैं। इस शब्द को पढ़िए जरा, चमार वर्ण व्यवस्था में कीचड़ को कहा जाता है, है ना, नीच जो है, गंदा है जो, सूगला है, ये सारे गुण कीचड़ में तो होते हैं, और कीचड़ की अपनी फितरत है, अपना स्वभाव है कि वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। कोई चीज शुद्ध तब कही जाती है जब उसमें अन्य कुछ न मिला हो, इतने बेहोशी में बोलते हैं। और कहें भी तो क्या, और है भी तो क्या, बाबा साहब जो बताते हैं वो सुनते नहीं हम, बुद्ध विहार का हमें एड्रेस नहीं पता है। मोटिवेशन, बात को याद रखना, मैंने कल फोन किया दो लोगों को, मैंने कहा जी 6 दिसंबर पता है, बोलो जी कहाँ है, मैंने कहा आदमी मुकरेगा, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली, मैंने कहा जी 6 दिसंबर कल पता है, बोलो हाँ बंदे जी बताओ तेरी कहाँ है, बताओ, मैंने कहा अटलांटिक महासागर कहाँ है। फिर एक और जगह मैंने फोन किया, मैंने कहा जी कल का दिन याद है, बोलो हाँ जी याद है, 6 तारीख है, और बोलो 6 तारीख है, बार बता दिया उसने, बुधवार है, बोलो 6 तारीख है, ठीक है। मैंने कहा वापिस आते हैं मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन का अगला बिंदु मोटिवेशन। तो हमें प्रेरणा कहाँ से मिले, प्रेरणा घर से, जो घर में बच्चों का समाजीकरण होता है, मोटिवेशन
the great dose through socialization, but socialization in our family is very weak, बहुत ही weak है ना, तो हम presentation नहीं दे पाते। मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका साथी आपसे पूछता है अजी आप जर्नल में आते हो, होशियारी देखिए जरा, समझिएगा यूथ लोग जो खड़े हैं, वो ये नहीं कहेगा कि आप ऐसे में आते हो, यहाँ कह तो गड़बड़ हो सकती है, वो खतरे से बाहर काम करता है, इतनी होशियारी बोलने में, अजी आप जर्नल में आते हो, तो वो कहने नहीं, अच्छा अच्छा आप ओबीसी में आते हो, नहीं नहीं आप ऐसे में आते हो, अब अगली बात तो निश्चित होगी, कहने की जरूरत नहीं। अच्छा ऐसे में चमार होते हो ना भाई साहब, नहीं हम जाटव होते हैं, अच्छा भाई साहब बुरा मत मानना, जाटव चमार होते हैं ना, हाँ बस अब वो आपसे कुछ भी ना कहे चाहिए, अपना फोन निकाला व्हाट्सएप चलाने लग जाइए यूं करके, कुछ कहा तो नहीं ना आपसे, गाली भी नहीं दी आपको, क्या FIR दर्ज करेंगे उसके नाम की, पूछा भी तो है, कॉमन बात है भाई, आपसे फ्रेंडली पूछे तो क्या बुरी बात है, पूछा ही तो है ना, लेकिन उसने इतनी भारी चोट मारी आपके अंतःकरण पे, इतनी भारी चोट मारी है अंतःकरण पे कि कोई डॉक्टर उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकता, ये है समाजीकरण, ये है भोजन, उसने चोट मार दी, कुछ कहा तो नहीं ना आपको, अरे भाई साहब कुछ कहा नहीं ना बहन जी, कुछ कहा क्या आपको, पूछा ही तो है मैंने, उसके बाद वो कुछ ना बोले। बुद्ध से किसी ने पूछा क्या ईश्वर है, तो बुद्ध खामोश रहे, चुप रहे। एक ने पूछा क्या ईश्वर नहीं है, बुद्ध तब भी चुप रहे। लोग ताजुब करते हैं कि कोई इतना भी चुप रह सकता है, और लोग हैरान होते हैं कि कोई इतना भी बोल सकता है। वो आदमी जिसने आपसे परिचय में यह बात पूछी, उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन कह इतना दिया कि आप अपने शब्दों में उसको कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, यही तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है ना, पर आपकी प्रेजेंटेशन आपके व्यापार में, नौकरी में, सब जगह काम आती है। आपके पास एक चीज नहीं है, आप खाली हैं, गरीब हैं, नंग हैं, दरिद्र हैं, आपके पास कोई चीज ये कहने के लिए नहीं है कि हम इस पे गर्व करते हैं, है लेकिन खजाना नहीं पता वो रखी कहाँ है। बाबा साहब हमें वही दे के गए हैं, ये पिल्लर मोटे मोटे दिखाई देते हैं ना, पत्थर के हैं, कुछ नहीं है, पत्थर है, और हमारे उधर तक कहते हैं बहन जी ने पत्थर खड़े कर दिए, पत्थर खड़े कर दिए, लेकिन जरा देखिए इन पत्थरों को, जो गौर से देखने वाली आंख रखता है ना, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं इनको देखकर। आंख चाहिए, सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक दृष्टि वो हम पैदा नहीं कर पाए, इतने झाड़ हैं हमारी सम्यक दृष्टि में, कुछ दिखता ही नहीं है, दिखता है वो उल्टा दिखता है, ऑप्टिकल इल्यूजन,